आम आदमी पार्टी में रहने का दर्द तुम क्या जानो तेजस बाबू। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 20 विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। क्या? हाँ, पर क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जो है वो दर्ज किया था और उस मामले में राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। पर आम आदमी पार्टी भी हार मानने वालों में से नहीं है और चुप रहने वालों में से नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। तो कौन से है वो विधायक जिन पर अब ये खतरा मंडरा रहा है और क्या है आखिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पूरा मामला, ये जानने के लिए आइए क्विंट हिंदी पर। पद्मावती, कंडी सेना, पद्मावत, पद्मावत, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बस कर। अरे भाई मैं की करा, बवाल खत्म ही नहीं होता। हाँ, अब क्या हुआ? अरे भाई ओवैसी साहब अब किस बवाल में कूद पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ये फिल्म बकवास है और अपने लोगों से उन्होंने अपील की है कि 2 घंटे आप फिल्म को देखकर बर्बाद ना करें, किसी और काम में लगाएं। दूसरी तरफ वो करनी सेना अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बैन करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। इसलिए अब संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण को छोड़ते हुए वो सेंसर बोर्ड के चीफ प्रसून जोशी के पीछे लगे हुए हैं। क्या कहा उनको? उनको बोला है कि आपको राजस्थान में हम आने ही नहीं देंगे। अरे बाप रे, पर तुम तो फिल्म देखने जा रहे हो ना 25 को। हाँ, तेजस राष्ट्रपति बनने के बिना अपने ही फायदे नुकसान है। हाँ वो तो है, बट अपने यहाँ तो प्रधानमंत्री चलते हैं ना। हाँ माना कि अपने यहाँ राष्ट्रपति नहीं लेकिन प्रधानमंत्री की बात होती है, लेकिन मेरा इशारा तुम समझ रहे हो। तुम्हारा इशारा मैं समझ भी रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं, ऐसा कैसे? अरे भाई डोनाल्ड ट्रंप यार, बेचारे के साथ बुरा हुआ है ना। दरअसल हुआ ये कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो होटल बिजनेस है वो काफ़ी नीचे आ गया है। इतने नीचे आ गया है कि उनके आलिशान होटल जो पहले 5 स्टार लोगों से चकाचन भरे रहते थे, उनके कमरों का रेट कुछ 66% गिर चुका है। बिल्कुल 66% की उसमें कमी आ चुकी है। तो क्या बात कर रहे हो, तो हम भी ले लें क्या? दो चार ले लें, बुक कर लें। फिल्म पीपली लाइव के को डायरेक्टर महमूद फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दरअसल 30 साल के एक अमेरिकी स्कॉलर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने महमूद फारूकी को कथित रेप केस में बरी कर दिया था। पद्मावत के साथ रिलीज होने वाली पैडमैन ने अपनी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है। अब ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होगी। हालांकि अक्षय कुमार ने इससे पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि कुछ भी हो जाए फिर भी इस फिल्म की रिलीज डेट नहीं बदली। दिल्ली ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार का नया एडिशन लॉन्च होने जा रहा है। ये 7 फरवरी को लॉन्च होगा। हालांकि इसकी बुकिंग 18 जनवरी से पहले ही शुरू हो चुकी है। स्विफ्ट का ये नया मॉडल इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही मौजूद है। पुरानी स्विफ्ट के मॉडल से नया स्विफ्ट का मॉडल थोड़ा अलग होगा। ये काफ़ी स्टाइलिश और स्पोर्टी होने वाला है।